नमस्ते, मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच से बता रहा हूँ। देखिए, कोई कारण से अगर धरती पर बहुत बड़ा बीमारी शुरू होता, अर्थात ओमिक्रॉन तथा कोरोना वायरस से भी बड़ा बीमारी शुरू होता, या तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक शुरू होता, या आपका कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, तो आप लोग जो बड़ा जोर शोर से आपका फिजिकल एसेट बना रहे हैं, अर्थात लिक्विड मनी, मनी को अर्थात कैश को कन्वर्ट करके आपका फिजिकल एसेट बना रहा है, अर्थात ज़रूरत से भी ज़्यादा जो आपका लिक्विड मनी को आप कन्वर्ट करके फिजिकल एसेट बना रहा है, उन लोग से मेरा अपील है। देखिए, आप लोग फिजिकल एसेट ज़रूर बनाइए, लेकिन साथ साथ कुछ लिक्विड मनी को आप लोग हर साल में थोड़ा थोड़ा करके रखने का कोशिश करें। इसलिए जो लोग ऑलरेडी 50-60 करोड़ रुपया का मालिक है, उन लोग से मेरा अपील है, देखिए आप लोग हर साल 1-2 करोड़ रुपया करके हम लोग का LIC में रखने का कोशिश करें। और जो लोग आपका मिडिल मैन तथा अपर मिडिल मैन तथा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो लोग से मेरा अपील है, देखिए आप लोग का जो हर साल में 10-15 लाख या 30-40 लाख रुपया आप लोग कमा लेते हैं, अर्थात आप लोग जो 7-8 करोड़ रुपया या 8-10 करोड़ रुपया का मालिक है, उन लोग से मेरा अपील है, आप लोग कम से कम हर साल में 2-5 लाख रुपया करके हम लोग का LIC में जमा करने का कोशिश करें, ताकि आपका कोई भी मुसीबत में आपका खेती बाड़ी या आपका जो घर या आपका सोना दोना कम रेट में बेचना ना पड़े। और जो लोग ऑलरेडी बहुत सारे पैसा म्यूचुअल फंड में बच्चा का सपना पूरा करने के लिए रोलिंग कर रहा है, उन लोग से मेरा अपील है, देखिए म्यूचुअल फंड एलोकेशन चार्ज काटता, फंड मैनेजमेंट चार्ज काटता और TDS काट लेता, अर्थात इनकम टैक्स काट लेता, और ये शेयर मार्केट का तरह अप एंड डाउन होते रहता। इसलिए आपका निर्दिष्ट समय पर निर्दिष्ट मतलब पर्याप्त परिमाण पैसा आपका बच्चे के लिए आप जोगान देने नहीं सकेगा। इसलिए आप लोग हम लोग का जो LIC में बहुत सारे एडुकेशन पॉलिसी है, वो सब पॉलिसी आप लोग फॉलोअप कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मेरा पास एडुकेशन पॉलिसी ले चुके हैं, उन लोग को मैं आंतरिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि आपका अगर कोई कारण डेथ हो जाता तो आपका बच्चे का पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर PWD एडेड है, अर्थात आपका डेथ हो जाने से वो प्रीमियम आपका मुकुफ हो जाएगा, प्रीमियम देने का ज़रूरत नहीं है। और बच्चे का जब 18-20 साल उम्र होएगा, उसी टाइम से LIC उसका पैसा देना शुरू कर देगा। और जो लोग अपर मिडिल क्लास तथा मिडिल क्लास और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अभी तक सही निर्णय लेने नहीं सका कि बच्चा का बड़ा प्रीमियम देकर पॉलिसी करेंगे या नहीं करेंगे, वो लोग से मेरा अपील है, देखिए आपका बड़ा प्रीमियम देने के लिए अभी आपका तकलीफ हो सकता, लेकिन अभी आप थोड़ा तकलीफ शिकार करके अगर बड़ा प्रीमियम देकर पॉलिसी लेता तो आपका बच्चा का जो फ्यूचर है, आपका बच्चा कम से कम MBBS, LLB या और आपका चार्टर अकाउंट इत्यादि एक्सेट्रा जो आपका पेशेदार बड़ा पेशेदार काम तो करने का लायक हो जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरे पास बड़ा प्रीमियम देकर बच्चा का पॉलिसी कर चुका है, उन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आंतरिक अभिनंदन करता हूँ, आपका बच्चा ज़रूर कोई ना कोई बड़ा पेशेदार काम का लायक हो जाएगा, और आपका इच्छा में बच्चा का जो इच्छा वो पूरा होता है। अंत में सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच से।